हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस। ओके, तो आज हमारा जो एक बार फिर से हम न्यू पैटर्न पर बेस्ड मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट को टाइप वाइज रिवाइज करेंगे। ओके, हमने इसमें आपके लिए टाइप वन लिया है। हमेशा जो होता है आपका मिश्रण के नियम का जो प्रयोग होता है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। अगर आपको मिश्रण का यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल का यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीपी का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और इस पार्ट को देखने से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती रहे, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या आपके आपने इसमें टाइप वन लिया है, जो हमारे अपने एग्जाम्पल में जो सॉरी हमने जो टाइप फर्स्ट लिया आपके लिए वो क्या पता, हमेशा मिश्रण नियम का प्रयोग जो होगा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, जैसे कि क्या है, कोई वस्तु क्या है, हमने 10 रुपये की खरीदी और 20 रुपये की उसको बेच दी, ठीक है, तो हमें 10 रुपये का फ़ायदा हुआ इसमें। तो 10 रुपये की हमने जो चीज़ खरीदी तो हमारा जो खरीदा वाला जो मूल्य होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, जिस पर हमने वस्तु को खरीदा था, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा कहलाता है सीपी। और जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेच देते हैं तो जो बेचने वाला प्राइस होता है, ठीक है, वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो हमें जब हम मिश्रण नियम का जो प्रयोग करेंगे तो हमें सीपी चाहिए होगा। चलिए देख लेते हैं इसको एग्जांपल में। जैसे कि आपका क्या है, यहाँ पर दो प्रकार की चाय का मूल्य आपको पता है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, दो प्रकार की चाय का मूल्य आपको दे रखा है 75 रुपये प्रति किलोग्राम है, और एक दूसरी चाय है उसका जो मूल्य है वो आपका कितना है, 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो अब ये कह रहे हैं इन दोनों चाय को हम किस अनुपात में मिला जाए कि हमारा जो मिश्रण का जो मूल्य है वो कितने रुपए हो जाए, 95 रुपये हो जाए। मतलब क्या है, हम जब ये और ये दोनों प्रकार की चाय को मिलाकर एक चाय एक बनाते हैं तो हमें उस चाय को 95 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचना है। तो हमें यह बताना है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है, ठीक है, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाएं कि हमारे चाय का जो मूल्य है वो 95 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले जो हमारा सबसे कम वाली वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार की चाय हमारी सबसे कम है तो हमने लिख लिया 75 रुपये प्रति किलोग्राम। और जब हम एलिगेशन रूल का यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सारे जो वैल्यू रखनी होती है वो हमें सेम रखनी होती है, ठीक है, समान जो आपकी वैल्यू रखनी पड़ती है आपको सेम रखनी पड़ती है। और दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य वो आपका कितना, 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। और इन दोनों को जब मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों का जो मिश्रण होगा तो जब उसको बेचते हैं, ठीक है, तो उस मिश्रण का जो मूल्य होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 95 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब इन दोनों में से ये बढ़ा तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जब इसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया। ओके, अब इसमें इन दोनों में ये बढ़ा है आपका, ठीक है, इन दोनों नंबर्स में आपका ये बढ़ा है, तो जब इसको सब्सट्रैक्ट किया इससे, 120 को 95 से सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया यहाँ पर 25। ओके, अब क्या किया रहा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। देखिए 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, तो आपका जो रेशियो आ गया यहाँ पर क्या आ गया, जो आपका अनुपात आ गया वो आपका आ गया 5:4। तो अब क्या है, इन दोनों यानी कि 75 किलोग्राम का 5वां हिस्सा और 120 रुपये किलोग्राम का 4था हिस्सा अगर इन दोनों को मिला देते हैं, अगर इस अनुपात में इन दोनों को मिलाएंगे तो जो हमारा जो मिश्रण का मूल्य आएगा वो हमारा क्या होगा, 95 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। चलिए जो हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए क्या, आपका दो प्रकार के चावल का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। एक जो चावल है आपका वो क्या है, 30 रुपये किलो है, और एक दूसरे प्रकार का चावल है वो आपका कितना है, 18 रुपये प्रति किलो है। अब इसमें वही बात करी जा रही है कि उन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा जो मिश्रण होगा उसका मूल्य कितना हो जाए, 22 रुपये 50 पैसे हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, देखो एक होती है आपकी, देखो बड़ी वैल्यू होगी इसमें, एक आपकी छोटी वैल्यू होगी, और एक आपकी एवरेज दे रखा होगा, एवरेज वैल्यू दे रखी होगी। तो चाहे पहले कोई सी भी रख लो आप, जब यहाँ 30 दे रखा है हमने 30 लिख लिया, यहाँ आपकी क्या है, 18 है, ठीक है। और इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू दे रखी है, जो मिश्रण का मूल्य है वो रखते हैं यहाँ पर, वैल्यू एवरेज वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं ना कि माइनस करेंगे। अब जो 30 है ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7.5
50। ओके, अब देखिए आपका इसमें ये बड़ा है और इसमें आपका ये छोटा है नंबर है, तब इसमें से इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब 22.5 को 18 से जब माइनस करेंगे, तब हमारा आएगा 4.50। ठीक है, जब इसको सॉल्व करा हमने तो हमारा जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3:5। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका इसका जो अनुपात होगा वो होगा 3:5, कि हम 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय का तीसरा हिस्सा और 18 रुपये प्रति किलोग्राम का पांचवा हिस्से को जब मिलाते हैं इस रेशियो में, अगर इस अनुपात में अगर हम मिलाएंगे तो हमारे जो मिश्रण का मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 22 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इस इन जो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देख लेते हैं, अगर आपका जैसे ये तो अभी तक हमने जो टाइप पढ़े थे इसमें हमारा क्या दे रखा था, सीपी दे रखा था। ठीक है, जो हम जैसे कि सीपी दे रखा था, लेकिन अगर हमारा विक्रय मूल्य दिया हो, अब देखिए टाइप टू है आपका यहाँ पर, जब मिश्रण का विक्रय मूल्य दे रखा हो तब क्या करेंगे। ओके, जब हमारे मिश्रण का अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी दे रखा हो तब क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमें सीपी दे रखा था जो ऊपर पढ़ा था मैं, 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 18 रुपये प्रति किलोग्राम या फिर 22 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी आपका है 22.5, ये तो आपका सीपी दे रखा था। लेकिन अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा होगा तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल से अभी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या है आपका यहाँ पर दो प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपये प्रति किलोग्राम है एवं 180 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये तो आपको चाय का मूल्य दे रखा है। ठीक है, मतलब ये भी आपको दे रखा है, ये सीपी है। अब इसे क्या करें, किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण को इतने रुपए यानी कि 168 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। अब ये जो रुपए दे रखे हैं ये तो बेचने वाले रुपए दे रखे हैं, ये जो आपके रुपए हैं इसको पहचान, ये आपका जो क्या है एसपी है, यानी कि आपका क्या है विक्रय मूल्य है। ओके, ठीक है, तो आपका ये विक्रय मूल्य दे रखा है यानी, क्योंकि इसमें क्या है आपका 20% लाभ जो है मिला हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि जब इस रुपए पर इस मिश्रण को बेच रहे हैं 168 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 20% लाभ मिल रहा है, और जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो हमारा 100% तो वैल्यू होती है। हमने कुछ 10 रुपये की ली और 10 ही बेच दी तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ, 10 रुपये की ली 20 की बेच दी तो हमें कुछ लाभ हुआ ना, 10 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ कुछ हमें, वही चीज़ यहाँ रखनी है। तो जो हम खरीदते हैं वो तो हमारी 100% रहती है, लेकिन हम जब उसको प्रॉफिट बेच देंगे तो हमें इसमें कुछ प्लस होगा मिलेगा ना हमें, तो भाई इसमें करना है। अब देखिए यहाँ पर 20% आपका क्या लाभ है, वैसे आपकी चीज़ 100% की होती है, अब 20% लाभ है तो वो चीज़ आपकी 120% हो जाएगी, देखिए। ठीक है, अब आपको जो रुपए दे रखे हैं वो 120% के बराबर दे रखे हैं, ये समझने वाली बात है यहाँ पर, क्लियर है। आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 20% लाभ की चीज़ दे रखी है, मतलब क्या है 100% तो इसमें है ही और 20% लाभ भी है, तो टोटल हमारे कितना दे रखा है आपको, ये 120% दे रखा है। तो जब मिश्रण में विक्रय मूल्य दे रखा होगा तो देखिए कैसे करते हैं, 120% बराबर आप लिखेंगे हम डायरेक्ट 168 रुपये। यहाँ से क्या करेंगे हम, पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पहले करेंगे 1, तो 168/120 हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 100% निकालने के, इधर 100 से मल्टीप्लाई किया इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा फाइनली 100% बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 1 12, 12 4 48, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 140 रुपये आ गया। हमें अब पता चल गया हमें सीपीएम ने निकाल लिया, यानी कि मिश्रण को हम मतलब हमारा क्या होगा, मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 140 रुपये होगा। अगर हमारा मिश्रण का मूल्य 140 रुपये होगा और उसे हम 168 रुपये में बेचते हैं तभी तो हमें 20% का लाभ होगा, चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो निकाल लिया है वो हमने क्या निकाला है, ये मिश्रण जो मिश्रण होता है उसका मूल्य निकाल लिया है, सीपी निकाल लिया, जो अभी तक हम यहाँ निकालते जो हमें दे रखा होता पहले, जैसे कि यहाँ दे रखा है हमें 22.5, तो अब हमें याली वैल्यू पता चली है। अब फिर से वही पुराना वाला प्रोसेस भाई, एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, दो प्रकार के चाय का मूल्य दे रखा है, एक आपकी 120 रुपये की है और दूसरी आपकी 180 रुपये की है। ठीक है, और जो अभी आपने निकाला है ये आपका क्या है, 140 है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा देना, 120 140 माइनस किया, 140 में से 20 गया आपका आ जाएगा यहाँ पर 20, 180 में से 40 गया तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका कितना रेशियो आया, 22 जा 40, 21 जा 20,
तो जो आपका रेशियो है वो आया 2:1, ठीक है, 2:1 में आया। कि अब इन दोनों चाय को अगर हम 2:1 के अनुपात में अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम 168 रुपये में बेचेंगे, 168 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 20% का हमारा लाभ होगा। ओके, तो अगर अगर विक्रय मूल्य दे रखो तो भी अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको ध्यान रखने वाली बात इतनी है, जैसे अगर यहाँ पर 20% यानी अगर 25% का लाभ होता तो आप यहाँ पर 125 कर देते, ठीक है, 30% का लाभ होता तो आप 130 कर देते, 5% का लाभ होता तो आप यहाँ पर 105 करके बराबर रखते और 100% की वैल्यू निकालते, और उसके बाद एज इट इज इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर देते और आपका सिंपल आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, अब देखिए आपके जो वही टाइप 2 का, देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या है आपका, कि आपका एक विक्रेता 15 रुपये प्रति किलोग्राम के 60 किलो गेहूँ और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने गेहूं में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या, देखिए एक तो आपको 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, हमें क्या करना होता है, हमें जो जब हम एलिगेशन यूज़ करते हैं तो हमारे जो सारी जो वैल्यू लिखते हैं ना यहाँ पर 1, 2 और 3 एक नीचे वाली, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखते हैं वो हमारी सेम होती हैं, यानी कि अगर हम रुपये प्रति किलोग्राम ले रहे हैं तो ये भी आपकी रुपये प्रति किलोग्राम में ही होगी और आपकी याली वैल्यू भी जो होगी वो रुपये प्रति किलोग्राम में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ये 15 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है, इसको लिख लिया, और यहाँ क्या दे रखा है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये लिख लिया, और आपको एवरेज वैल्यू दे रखी है कितने की है, 18 रुपये प्रति किलोग्राम, मिश्रण का मूल्य भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, एलिगेशन का मेथड लगा के हम यहाँ करेंगे, यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, 20 में से 18 क्या है हमारा बचा 2 और 18 में से 15 क्या हमारा बचा 3, तो आपका रेशियो आ गया आपका 2:3। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, 15 रुपये जो प्रति किलोग्राम के कितने गेहूँ होते हैं, वो आपके 60 किलो गेहूँ होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60 किलो और इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये हमने कितने किलो मिलाया। तो जो आपका इसका रेशियो आया वो आपका कहाँ आया, 2:3, तो 60 वाले का आपके 2 वैल्यू है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 2 जो है वो 60 के बराबर है, बस ये समझने वाली है, तो 1 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, तो हमें 3 निकालना है, तो 3 से जब गुणा कर देंगे तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 90। तो हमने जो क्या किया है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो है कितना गेहूँ मिलाया, 90 किलोग्राम मिलाया। ठीक है, जो पहला वाला था 60 तो दूसरा वाला कितना है, 90, तभी तो इनका जो रेशियो होगा 2:3 में होगा। क्लियर, यही बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है। ठीक है, ये कैसे आई आपकी, देखिए आपका जो पहले वाले जो गेहूं का रेट है वो आपको दे रखा है 60 किलो और इसकी वैल्यू में निकालनी, इसकी मान ली हमने एक्स है, पहला वाला गेहूँ है 60 किलो और दूसरा वाला जो गेहूँ है वो हमारा है 1 किलो, तो पहला वाले गेहूँ का जो रुपया है वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम है और जो 20 रुपये प्रति किलोग्राम है और जो हमारा मिश्रण है वो हमारा 18 रुपये प्रति किलोग्राम है। जब हमने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया एलिगेशन मेथड को लगाकर तो हमारा आ गया 2:3, तो 60 जो हमारा 2 के बराबर है तो 3 के बराबर हमारा क्या होगा, निकालेंगे 3 के वैल्यू, तो डायरेक्ट 3 के निकालिए 90 किलोग्राम। देखिए अभी अगले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी आपका, देखिए अगर नहीं क्लियर हो तब आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तब भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिलहाल तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए इस तरीके इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका एक विक्रेता 2 प्रकार की वस्तु है को क्रमशः 40 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर तैयार मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। इस तरीके से उसे क्या होता है, उसे ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, अभी आपकी बात क्लियर हो जाएगी। यदि पहले प्रकार की वस्तु 32 किलोग्राम मिलाई गई, मतलब पहली जो वस्तु मिलाई वो 32 किलो मिलाई है, ठीक है, 32 किलोग्राम मिलाई, और दूसरे प्रकार की वस्तु पूछ रहे हैं आपसे कि दूसरे टाइप की वस्तु में कितने किलोग्राम मिलाएं, ये आपको बतानी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम, इसमें वही दे रखा है आपको, 2 रेट दे रखे हैं, एक आपको जो टाइप का, एक जो आपको टाइप दे रखा है, ठीक है, वस्तु का वो है आपकी 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और जो दूसरे टाइप की वस्तु है उसका रेट आपका क्या है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और जब इन दोनों को मिला देते हैं मिश्रण बना लेते हैं तो हमारा जो मिश्रण का मूल्य दे रखा है वो आपको दे रखा है 32 रुपये प्रति किलोग्राम,
इसके बाद आपको एलिगेशन लगाना है, 40 में से 32 गया बचेगा आपका 8, और 32 में से दो मतलब 30 गया तो बचा आपका 2, तो आपका रेशियो है 2:8, यानी कि आपका आ गया 1:4। ठीक है, तो 1:4 हमारा रेशियो निकल आया। अब ये क्या कर रहे हैं, जो आपका पहले टाइप का जो है काम है उसे ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है, मतलब यहाँ पर क्या आपको जो 100% ही वैल्यू तो दे रखी है। अगर आपको कहते कि 32 रुपये की दर से बेच देता है, देखो हमने अभी आपको कहा था जब विक्रय मूल्य दे रखा होता है तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने आपको अभी तो आपके साथ ये तो टाइप डिस्कस किया है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य देखो आपको दे रखा है 32 रुपये प्रति किलोग्राम, पिछली बार देखा था हमने कहा था जब वो बेच देता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो हमने आपको क्या किया था 120 के बराबर रखकर वैल्यू निकाली, तो उसके बाद हमने 100% वैल्यू को निकाल कर सेट किया था उसे। बट इसमें हमारा क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है, ना उसे लाभ होता है ना ही हानि होती है, मतलब क्या होगा 32 रुपये का ही बनेगा और 32 का ही बेच देगा, मतलब आपको जो वैल्यू दे रखी है अब क्या वो 100% दे रखी है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या किया इसे 32 यहाँ पर डायरेक्ट ही यूज़ कर लिया। क्लियर, वरना हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर ये कहता है कि उसे 5% की हानि हुई है कि 5% का लाभ हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। अगर पूछता 5% की हानि हुई है तो हम 95% लिखते हैं, 10% की हानि हुई तो 90% के बराबर लिखते हैं, और उसके बाद हम 100% वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ही हम उस नंबर को जो हमारा आती जो वैल्यू आती वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। ओके क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए अभी एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली जो टाइप की वस्तु है, पहले प्रकार की वस्तु हमारी कितनी मिलाई गई 32, और दूसरे प्रकार की वस्तु का रेट पूछ रहा है जो हमने मान लिया एक्स, तो आपका ये रखा है जो आपका जो एक है वो 32 के बराबर है, बस बिल्कुल सेम ऐसे समझिए, स्ट्रिक से समझिएगा कि जो आपका जो एक है वो 32 के बराबर है, क्योंकि पहले टाइप का जो आपका जो रेशियो निकला है 1 है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है दूसरे वाले का, दूसरे का रेशियो 4 है, तो एक को 4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो दूसरे प्रकार के जो वस्तु होगी कितने किलोग्राम मिलाई गई, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 128 किलोग्राम, 128 किलोग्राम। तो जो आपकी जो दूसरे टाइप की जो वस्तु है, दूसरे प्रकार की वस्तु जो है वो कितने किलोग्राम मिलाई गई, 128 किलोग्राम मिलाई गई। क्लियर, ओके ठीक है। अब देखिए आपका टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में क्या, अगर आपसे क्वेश्चन किया हो, क्वेश्चन में आपको कुल मिश्रण दिया हो, अभी जो टाइप 2 में था आपका सीपी कह रहे सॉरी आपका एसपी दे रखा होता था, मतलब विक्रय मूल्य दिया होता था, या फिर उसमें क्या होता था पहले प्रकार की वस्तु का मूल्य दे दिया हो या फिर दूसरे प्रकार की वस्तु का मूल्य दे रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते थे सॉल्व करते थे उसको। अब यहाँ पर क्या आपको मिश्रण का मूल्य दे दिया होगा टोटल, तो देखिए आपके क्या एक विक्रेता, एग्जाम्पल में भी क्लियर हो जाएगा आपका ये बात जो हम बता रहे हैं आपको, एक विक्रेता दो प्रकार की सेब, दो प्रकार के जो सेब हैं क्रमशः 160 रुपये प्रति किलोग्राम एक सेब है, और एक सेब का जो मूल्य है वो है आपका 200 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, इस दर से खरीदता है और 40 किलोग्राम का मिश्रण तैयार करता है, ठीक है, इन दोनों को खरीदा इन इन रुपए के अकॉर्डिंग, और उसका 40 किलोग्राम जो उसका मिश्रण तैयार हो गया, और मिश्रण का मूल्य आपका कितना हो गया 175 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो पूछ रहा है पहले प्रकार का सेब किसने कितना मिलाया, अभी तक हमें पहले प्रकार का दे रखा होता था, अब हाँ से पूछ अब हमसे पूछ रहा है कि पहले प्रकार का सेब उसने कितना मिलाया, तो मान लो क्या है, पहले पहले तो हमें रिगेशन लगाना है, पहले प्रकार का सेब है 160 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार का सेब है 200 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, और जब इन दोनों को जो बेच देते जो मिश्रण बनाता है उस मिश्रण का मूल्य दे रखा हमें 175 रुपये प्रति किलोग्राम, तो पहले सब्सट्रैक्ट कर लिया हमने, 200 में से 175 के बराबर बचा है 25, और 175 में से 60 गया तो हमारा बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है, और 6 में 6 गया बचा 1। अब जब ऐसे हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, तो हमारा रेशियो निकला है 5 और 3, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए अब क्या है, यहाँ पर आपको 40 किलोग्राम मिश्रण दे रखा है, तो अब देखिए आपका 5 और 3 ये टोटल आपका जो मिक्सचर हो गया वो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 और 3 = 8 हो जाएगा, तो जो आपके 8 के बराबर दे रखा है 40 किलोग्राम। पहले क्या कर रखा, पहले हम क्या करते थे, हमें 160 जो किलोग्राम है इसका दे उसका क्या होता था, हमें ये दे रखा था ये कितने किलोग्राम है तो हम उसके बराबर रख देते थे, अगर हमें ये दे रखा होता तो इसका जो रेशियो होता 3 इसके बराबर हम वैल्यू पुट करते, लेकिन अब क्या हमें क्या दे रखा है, पूरा मिक्सचर दे रखा है तो इन दोनों को जोड़कर उसके बराबर रखेंगे, बस यही ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है, ओके। अगर आपको पहले वाले प्रकार की वस्तु का वो दे रखा होता आपको कि ये कितने किलोग्राम है या कितने किलोग्राम नहीं है,
तो इसके बराबर रखते हैं। अगर दूसरे टाइप की जो हमारी वस्तु होती, ठीक है, अगर ये पूछते ये इतने किलोग्राम है तो इसके बराबर रखते हैं। अब जब टोटल दे रखा हो कि पूरे मिश्रण की बात हो रही है, पूरे मिश्रण की बात हो रही है, तो इन दोनों को जोड़कर उसके बराबर रखेंगे वैल्यू को। तो हमारी टोटल होगी 5 × 8, तो 8 बराबर हमारा 40 किलोग्राम है। और हमें क्या बताना है, पहले प्रकार की, बस पहले प्रकार के सेब का बताना है कि इस कितने किलोग्राम मिलाया गया। तो पहला प्रकार का सेब वो आपका, इसका रेशियो है 5, तो हमें 5 के बराबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ से 1 निकाल लेंगे, जो आपका ये होगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया 5। और अगर 5 के बराबर निकालें तो 5 से मल्टीप्लाई इधर की, 5 से मल्टीप्लाई इधर की, तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 25 किलोग्राम। तो हमारा क्या आएगा, पहले प्रकार का जो सेब होगा इसमें कितना किलो मिलाया गया, हमने 25 किलोग्राम मिलाया। तो पहले प्रकार का सेब कितना मिलाया हमने, 25 किलोग्राम मिलाया है इसमें। जो पहले प्रकार का जो सेब मिला हुआ है वो 25 किलो मिला हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से भी पूछा आपसे जा सकता है। ओके चलिए ठीक है, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जो हम नेक्स्ट पार्ट अगर इसका हम अपलोड करते हैं तो क्या है, अब तक कैसे पहुंचेगा, इसलिए आप हमारे बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ कोई क्यूरी हो या फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी मतलब कोई भी अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।